हेलो स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात करते आयनन ऊर्जा की और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? अगर हम बोले तो कि किसी विलगित गैस या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा या फिर आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है बच्चों। और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसके बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो बच्चों होती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसमें अगर शॉर्टकट में बोलें ईए, क्या बोलेंगे? ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहां पर अगर इसकी परिभाषा की बात करें, कि परिभाषा क्या होगी, तो हम ये बोलेंगे कि किसी विलगित गैस या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है बच्चों, और हमने आयनन ऊर्जा में पढ़ा था कि किसी परमाणु के द्वारा, किसी विलगित गैस या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के दौरान दी गई ऊर्जा, और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, तथा यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। देखिए बच्चों, किसी विलगित गैस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बनता ई ए कहलाती है। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मुक्त हो रही है। अगर मुक्त हो रही है, मतलब यहाँ से अभिग्रह में रहेगा, आपके पास ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी, और निकलने वाला कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक उदाहरण से सही समझते हैं, इसका हम डायग्राम से बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास भी एक परमाणु दिया गया है Ag, इसको हम बोलेंगे विलगित गैस परमाणु, विलगित गैस परमाणु। अब देखो बच्चों, परिभाषा क्या बोल रही है, किसी विलगित गैस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगी यहां पर, मुक्त होगी, तो यहां पर बनेगा ए माइनस, और यहां पर जो ऊर्जा रिलीज होगी बच्चों, उसको बोलेंगे ई ए, क्या बोलेंगे, ई ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वापस से देखते हैं बच्चों, देखो यहां पर यह परमाणु है, और ये परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, तो अब इसके पास ऋणावेश आ रहा है, कितना ऋणावेश आ गया, एक आ गया, और इसके दौरान जो ये यहाँ पर ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है बच्चों, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बच्चों, अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ई ए वन, और ई ए वन आपके पास में कैसी हो सकती है, या तो हो सकती है ऊष्माक्षेपी, या फिर क्या हो सकती है बच्चों, ऊष्माशोषी, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। देखो अगला जो चक्कर चलता है, ये जो दिया गया है, इसमें आपने वापस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वापस एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया ऐड, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस टू प्लस में ई ए टू बच्चों, क्या बन जाएगा, ई ए टू। अब बच्चों, ये जो ई ए टू होगी, इसका मान होगा ऊष्माशोषी, कैसा होगा, ऊष्माशोषी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो डेल एच होगी वो नेगेटिव हो सकती है, या फिर डेल एच क्या हो सकती है, पास में पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो डेल एच होगी अभिक्रिया के एंथैल्पी, वो किस में होगी, हमेशा पॉजिटिव में।
कि किसी भी तत्व के द्वारा बहु ऋणायन का बनना, बहु ऋणायन का मतलब होगा एक से ज्यादा ऋणायन का बनना, एक ऊष्मा शोषी परक्रम होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक ऋणायन था लेकिन अब कितना बन गया, एक और बन गया, मतलब ए माइनस टू, तो बहु ऋणायन बन गया, तो ये परक्रम कैसा होगा, ऊष्मा शोषी। अब वापस आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और ये क्या बन जाएगा, ए माइनस थ्री प्लस में ई ए थ्री, ये भी एक कैसे परक्रम होगा, ऊष्मा शोषी परक्रम, कैसा प्रक्रम होगा, उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। हम बोल सकते हैं कि डेल एच क्या होगा, वो देखिए, ठीक है बच्चों, वापस से देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा या बाहर निकल गई ऊर्जा ई ए कहलाती है और ई ए एक उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, हमें बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपके पास में ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ नहीं सॉरी बच्चों, ये इसका आपके पास में बोल सकते हैं, इसको समझाने के लिए एक अभिक्रिया ले सकते हैं, ये इसका परिपथ ग्राफ बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा कि ये गैसीय परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ए माइनस में जाएगा, वापस से अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है ए माइनस टू में, फिर वापस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए माइनस थ्री में, और इस दौरान जो ऊर्जा आपके पास में आ रही है, मुक्त हो रही है, वो होगी आपके पास में ई ए वन, ई ए टू और ई ए थ्री बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे बोला जाए कि n माइनस वन से n माइनस थ्री बनाना है, n माइनस वन से क्या बनाना है, n माइनस थ्री बनाना है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो उष्मा शोषी होगी या उष्मा क्षेपी, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, उष्मा शोषी, कैसी होगी, उष्मा शोषी, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि बहु ऋणायन का बनना, एक से ज़्यादा ऋणायन का बनना एक उष्मा शोषी परक्रम होता है, तो बच्चों एन माइनस वन तो पहले बन चुका है, अब आपके पास में क्या बन रहा है, n माइनस वन से n माइनस थ्री बन रहा है, माइनस से माइनस बन रहा है, तो कैसे प्रक्रम हो जाएगा, उष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, तो बच्चों आपके पास में जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, हम शॉर्टकट में बोलेंगे ई ए को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि ई ए को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो देखो ई ए को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमारे पास में जो आएगा वो आएगा आकार, क्या आएगा बच्चों, आकार, तो आयनन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है ई ए जो होती है बच्चों, ये आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, क्या होगी, ये घटेगी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है जेड इफेक्टिव, मतलब कि नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, इसका मतलब कि ई ए जो होगी बच्चों वो जेड इफेक्टिव के क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास में आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सिग्मा, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, ई ए जो होगी बच्चों वो सिग्मा की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। और चौथा जो पॉइंट हमारे पास में आ रहा है बच्चों वो आ रहा है कक्षकों का स्थायित्व, क्या आ रहा है, कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व, बच्चों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कक्षकों का स्थायित्व, मतलब कि आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक, तो देखो कक्षकों का स्थायित्व का जो क्रम होता है, स्थायित्व का जो क्रम होगा वो क्या होगा, एस टू पी थ्री पी सिक्स डी फाइव व डी टेन, ये कक्षकों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, सबसे ज्यादा जो कक्षक का जो स्थायित्व होता है डी टेन का, क्योंकि पूरा भरा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास में। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ई ए जो होती है वो कक्षकों के स्थायित्व में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है, कक्षकों के स्थायित्व ये क्या होती है बच्चों, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, कि जिस कक्षक का स्थायित्व जितना ज्यादा उसकी ई ए का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा बच्चों, क्या होगा, उतना ही कम। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में जिन कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा पाया जाता है, या फिर हम बोले आवर्त सारणी में वे कक्षक, वे तत्व जिनके कक्षक आधे भरे हुए पूरे भरे हुए होते हैं, उन कक्षकों की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बाकी कक्षकों की तुलना में कम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कम। हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में
यहाँ पर हम एक उदाहरण करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हम उदाहरण कर रहे हैं वो हमें दिया गया है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन व नियम, निम्न दिए गए तत्वों को इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम यहाँ ईए का क्रम ज्ञात करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये जो तत्व हैं ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। कौन से आवर्त के तत्व हैं? दूसरे आवर्त के। और आवर्त में जब हम इधर से इधर जाएंगे, देखो इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। तो देखो जब हम 3 से 10 की तरफ जाएंगे तो आकार क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। सॉरी, आकार क्या होगा? घटेगा। आकार यहाँ पर क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। क्या होगा आपके पास में? बढ़ेगा। कैसे? फिर हमारे पास में जेड इफेक्टिव की बात करते हैं बच्चों। इधर से इधर जब हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव हमारे पास में क्या होता है? बढ़ता है। सिग्मा क्या होता है? घटता है बच्चों। लेकिन कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? कक्षकों का स्थायित्व ये भी क्या होता है हमारे पास में? बढ़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करें इसके आंसर की। सर आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका हो जाएगा 1s2 2s1, कि हमारे पास में तीन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो दोहरे कितने हो गए? तीन। इसका हो जाएगा 2s2, इसका हो जाएगा 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4, 2p5, 2p6 बच्चों। ठीक है, अब बात ये आ रही जिसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। क्या बोला? जिसका आकार जितना ज़्यादा बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही कम। तो बच्चों इसका आकार सबसे ज़्यादा है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारे पास ये भी आ रहा है, ये जो पॉइंट चौथा है कारक कक्षकों का स्थायित्व, कि जिन कक्षक की वे तत्व जिनके पास में आधे भरे हुए कक्षक होते हैं, पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं, उन कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब मान लो पहले से भरे हुए हैं आधे या पूरे, अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे? अगर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनका स्थायित्व क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो ये बोलेंगे कि हम पहले से आधे भरे हुए हैं या पूरे भरे हुए हैं और हमारा स्थायित्व कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। तो यहाँ पर उनकी जब वो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहे हैं बच्चों, तो वहाँ से ऊर्जा मुक्ति नहीं होगी, और अगर ऊर्जा मुक्ति नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? सबसे कम। तो आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा। अतः वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा बाकी बचे हुए कक्षकों की तुलना में क्या होगा बच्चों? कम होगा। जैसे यहाँ पर जो आपके पास में दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो कक्षक का स्थायित्व होता है P6 का बच्चों, किसका हो रहा है यहाँ पर? P6 का, फिर P3 का, फिर H2 का। तो इनकी ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगी? नियोन। फिर आपके पास में कौन आएगा? नाइट्रोजन। फिर कौन आएगा आपके पास में? बेरिलियम। अब जो बाकी के तत्व बच गए बच्चों उनको एज इट इज लिख दो, सेम टू सेम। क्या क्या बच गया? लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये बच्चों इनकी ई ए का क्रम होगा। किसका क्रम होगा? ई ए का। हम ये बोल सकते हैं एक आवर्त सारणी में, एक आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हैलोजन परिवार के तत्वों का पाया जाता है। और बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन होते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं सबसे ज़्यादा ई ए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो बच्चों? सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पर बात करेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन व आर्गन। अब बच्चों ये पूछ सकता है कि एक आवर्त में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका? तो हम बोलेंगे हैलोजन परिवार के तत्वों का। लेकिन एक आवर्त सारणी में, एक आवर्त में सबसे कम ई ए का मान किसका होता है? अक्रिय गैस होगा। देखो ये रही अक्रिय गैस, ये कौन है? अक्रिय गैस। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 व 18 बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। ये हो जाएगा 3s1, 3s2, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी नियोन, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। तो बच्चों वापस से इधर से इधर हम जाएंगे 11 से 18 तरफ, तो आकार क्या होगा? कम।
आयन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा ज्यादा, जेड इफेक्ट भी क्या होगा आपके पास में ज्यादा, सिग्मा क्या होगा कम, और कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व बच्चों वो क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि वे कक्षक जिन जो आधे भरे हुए पूरे भरे हुए होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अन्य तत्वों की तुलना में क्या पाया जाता है कम पाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा सबसे पहले P6 आर्गन, फिर आर्गन से बाद में आएगा पासन बच्चों फास्फोरस, फिर आएगा मैग्नीशियम, अब बच गए जिनको लिख दो सेम टू सेम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, और फिर बच्चा आ जाएगा सल्फर, फिर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे इसके आंसर, ई ए का बढ़ता क्रम, ई ए का बढ़ता क्रम। बच्चों वापस से बात करते हैं, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा एक आवर्त में, एक आवर्त में सबसे ज्यादा ई ए का मान किसका होता है, हैलोजन परिवार का, हैलोजन तत्वों का, और हैलोजन तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन। ठीक है, और अगर बात करें सबसे कम, सबसे कम ई ए किसकी होती है, अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों की। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि हैलोजन परिवार के तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई ए का क्रम, ई ए का क्रम हैलोजन परिवार में सबसे ज्यादा होती है बच्चों Cl, Cl2, उससे कम आपके पास में आएगी F2, फिर आएगी Br2, फिर क्यों आएगी I2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में तो इसके पास में डी कक्षक की उपस्थिति होती है, डी कक्षक की उपस्थिति, इस वजह से इसकी ई ए का मान क्या होता है बढ़ जाता है कंपेरिजन फ्लोरिन बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।